हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसे कि पार्ट वन में देख लिया होगा आपने, हमारा कौन से सेक्शन तक कवर हुआ है। ठीक है, अब मैं उसके आगे सेक्शन में कवर कर रहा हूँ। जैसे पार्ट वन में मैंने सेक्शन कौन सा कवर किया था, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23। सॉरी, 23 मैंने कवर नहीं किया था, 27 कवर किया था। तो हमारा जो सेक्शन सेक्शन 22 ये हो चुका है, राइट। लास्ट सेशन में हुआ था, एक बार लिंक दिया है, देख लेना। सेक्शन 27 ये भी हो गया था, उसमें अंदर कवर है वो भी देख लेना। अब इसमें क्या है ना, फर्स्ट सेक्शन तो अपना चार्जिंग सेक्शन था, और सेकंड सेक्शन जो था वो था अपना डीम्ड ओनर का। ये दोनों हमने ने फुलफिल किया, ठीक है। वो दोनों हम लोग ने एक बार पढ़ लिया। अब है इम्पॉर्टेंट चीज़। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, सर? हम अब पढ़ने वाले सेक्शन 23 के बारे में। अब ये सेक्शन 23 किसके बारे में बात करता है? सर, ये सेक्शन 23 जो है ना, एनुअल रेवेन्यू के बारे में बात करता है, एनुअल रेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करता है? एनुअल रेंट के बारे में। क्या बोला मैंने सर? सेक्शन 23 किसके बारे में बात करता है? एनुअल रेंट के बारे में बात करता है। क्लियर है? अभी है एनुअल रेंट। सर, एनुअल रेंट का यूज़ क्या है और कैसे तुम लोग आप करने वाले ये चीज़? सर, एक है ना, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, क्या कैलकुलेशन करते हैं? जब हम मतलब इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, वो जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो शुरुआत में अपने को एनुअल वैल्यू देना पड़ता है वहाँ पर। देखिए, मैं एक बार फॉर्मेट शॉर्ट में बताता हूँ, आगे जाके हम वो फॉर्मेट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट हम लोग सेक्शन 23 पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो फॉर्मेट खुद ब खुद आगे जाके आपको हेल्प करेगा कि सर ने स्टार्ट कहाँ से किया। क्लियर है? जब मैं कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब ये कंप्यूटेशन करता हूँ मैं, जब ये कंप्यूटेशन करता हूँ, तो ये कंप्यूटेशन में क्या होता है सर? इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है, और दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, दो अमाउंट के कॉलम होते हैं। तो सर, इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद जो है ना, हम लोग क्या शुरुआत करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो लेते हैं ना, वो लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोला मैंने? क्या लेते हैं फर्स्ट हम लोग? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं फर्स्ट। माइनस क्या करते हैं उसके अंदर सर? वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक से, ठीक है। तो माइनस क्या करते हैं सर इसमें? म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है सर। जो बचता है उसको क्या बोलते हैं सर? अगर ये ग्रॉस था तो जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीएवी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनएवी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में लेस। लेस क्या सर? डिडक्शन। सर, डिडक्शन काय का डिडक्शन सर? हमने वो सेक्शन पढ़ा था ना, सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। क्या बोला था मैंने? सेक्शन 24 में एक डिडक्शन होता है, तो वो सेक्शन 24 का डिडक्शन लेते हैं हम लोग। डिडक्शन जो डिडक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन 24 में एक डिडक्शन है जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। जो वो 30% पे होता है। कितना परसेंट पे होता है? 30% पे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका, ठीक है। सेकंड क्या होता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू। जो इंटरेस्ट ड्यू है वो भी क्या होता है? यहाँ पर टोटल किया जाता है। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी पे होता है। किस पे होता है सर? एनएवी। एनएवी मतलब इस पे होता है 30%, ओके। और वैसा करके हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर कुछ पे करना है तो वो भी आ जाता है उधर, राइट। तो ऐसे टोटल करके हम यहाँ पर टोटल लेके आते हैं। टोटल के बाद में जो बचता है वो अपना आगे भी है फॉर्मेट, जैसे अनरियलाइज रेंट ये सब आता है। फिलहाल इतना याद रखो, जब हम लोग अनरियलाइज रेंट ये सब के बारे में पढ़ेंगे मैं उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। तो सर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो सर, अब हम क्या करने वाले, ये जो है ना एनुअल वैल्यू, वो सेक्शन कौन सा सेक्शन में कवर होता है? वो 23 सेक्शन में कवर होता है। मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिस फॉर्मेट, मतलब ये नहीं होगा तो फिर मैं आगे क्या कैलकुलेट करूँ?
वही तो इनकम है, मेरा मेन इनकम है, वहां से तो मैं नीचे से माइनस ही कर रहा हूँ। तो जो बचेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, जो टैक्सेबल होगा मेरे लिए। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन 23, ये सेक्शन 23 है ना, ये एनुअल रेंट फाइंड आउट करने के लिए ना दो तरीके, क्या बोला मैंने, एनुअल रेंट फाइंड आउट करने के लिए कितने तरीके, दो तरीके। ये दो तरीके में से उन लोग को क्या करना है, अपने को दोनों में से जो रहेगा उसके हिसाब से उतना अमाउंट लिखना है सिर्फ। अब ये दो तरीके क्या है सर, सबसे पहला एनुअल रेंट क्या है सर, एनुअल रेंट याद रखना, साल भर का रेंट, ऐसे ही बोल रहा है सिंपल, वो वर्डिंग्स वही बात कर रहे हैं, बट एनुअल रेंट जो है ना हमेशा याद रखना नोशनल बेसिस पे होता है, नोशनल बेसिस पे भी हो सकता है या एक्चुअल बेसिस पे भी हो सकता है। क्या बोला सर, नोशनल बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस। देखो नोशनल का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ना उसका जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी, मतलब वो अगर प्रॉपर्टी में भले कुछ किसी को रेंट पे नहीं दिया, फिर भी घर पे वो ऐसी पड़ा है नहीं, क्या कुछ यूज नहीं कर रहे हम लोग ना, नॉर्मल अपना एक घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, उस पर तो रहते ही, और वो प्रॉपर्टी बंद करके रख दिया है। बट इनकम टैक्स क्या बोलता है, देख भाई अगर तू उसको बेचने जाएगा ना, बेचने मतलब उसको रेंट पे देने जाएगा ना, तो उससे इतना इनकम कमा सकता है। तो वो हो गया एक नोशनल बेसिस पे, नोशनल बेसिस मतलब एक लॉजिकल बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं, हाँ भाई अगर ये प्रॉपर्टी ये मार्केट में है, ये प्लेस पे है, ये लोकेशन पे है, और इसको अगर बेचेंगे, सॉरी बेचेगा बार बार बोल रहा हूँ मैं, बेचेंगे नहीं रेंट पे देंगे, तो क्या होगा सर, वो रेंट का जो है इनकम तुम्हारा इनकम माना जाएगा। तुम लोग बोलोगे सर मैंने तो दिया ही नहीं, तो वो तो वैसे ही पड़ा है। तो इनकम टैक्स बोलता है यही यही चीज मेरे को सिखाना है तुमको, कि ये जो एनुअल रेंट है ना एस्टिमेटेड बेसिस पे भी हो सकता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे ही होता है, एंड प्लस अगर एक्चुअल रेंट तुम लोग ले रहे हो तो उन दोनों में कंपेयर करके उस हिसाब से एक सेलेक्ट किया जाता है। तो अपने को क्या करना है अभी, वो जो एक्चुअल बेसिस, वो जो एस्टिमेटेड बेसिस, वो दोनों को समझ के लेना है क्या है। तो याद रखना है कोई फिक्टिशियस बेसिस पे नहीं होता, फिक्टिशियस मतलब क्या हो गया सर, एक अंदाजा फेंकना नहीं सर, हाँ ये प्रॉपर्टी पड़ा है ये लोकेशन में, ठीक है 2 लाख का इनकम है इस पे, ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं लॉजिक लगा सकते। अपने को देखना पड़ेगा वो मार्केट का क्या रेट चल रहा है, क्या लोकेशन का रेट है, क्या मतलब आजू बाजू वाले का रेट क्या है, वो सब देख के अपने को वो प्रॉपर्टी डिसाइड करते कि क्या रेंट होना चाहिए उसका, ठीक है। तो वो हो गया नोशनल बेसिस, और एक्चुअली जो अपन ने दिया है सामने वाले को और वो मेरे को रेंट दे रहा है, वो एक्चुअल बेसिस हुआ। क्लियर है ये दो चीज। तो जब एनुअल रेंट में निकालता हूँ, जब एनुअल रेंट में निकालता हूँ तो दो चीज देखता हूँ, दोनों में से एक चीज मेरा क्या बनेगा, इधर ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा। सर वो बताओ क्या है अभी, वो क्या है सर, सर बहुत सिंपल है सर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, RLV या फिर AR, सर ये क्या है सर, किसका नाम है, किसका शॉर्ट फॉर्म है। RLV का मतलब क्या होता है, RLV रीजनेबल लेट आउट वैल्यू, क्या बोला मैंने, RAL का मतलब क्या बोला था मैंने, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू, क्या बोला मैंने इसको, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू, याद रखना क्या बोल रहा हूँ, लेट आउट, लेट आउट का मतलब मैं लेट आउट मतलब मैं रेंट पे देने वाला है कोई प्रॉपर्टी को, तो उसका रीजनेबल वैल्यू क्या होगा वो चेक करना है अपने को। और यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट बोल दो बस फिलहाल तो, ठीक है सर। एक्चुअल रेंट का मतलब, एक्चुअल रेंट का मतलब होता है तुमने कितना पैसे तुम्हारे टेनेंट से लिया, राइट, जो यूज कर रहा तुम्हारा प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर तुम लोग क्या कर रहे हैं रेंट ले रहे हो, तो जो जितना पैसा आया तुम्हारे हाथ में, एक्चुअली आया ना वो पैसा, एक्चुअली तुमने रेंट पे दिया था तब जाके तो पैसा आया तुम्हारे हाथ में, तो उसको बोलते हैं सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, क्या बोलेगा उसको, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, वो इधर आएगा। समझो फॉर एग्जाम्पल 10,000 तुम लोग क्या करते थे, रेंट चार्ज करते थे किससे, सामने वाला बंदे को दिया था तुम लोग, वो टेनेंट को दिया था तुम लोग काम, हाँ प्रॉपर्टी दिया था अपना, एक शॉप दिया था यार, हम घर दिया था, ठीक है। तो ऐसा इंटू करके 12 महीने, 12 महीने जाऊंगा तो कितना मिलेगा सर मेरे को, 120 मिलेगा, 120 राइट, 120,000, तो 1,20,000 मुझे जब मिलेगा पैसा, तो ऐसा टाइम पे उसको क्या बोलूंगा मैं, एक्चुअल रेंट बोलूंगा, ठीक है। तो ये एक तो पार्ट रहेगा वो कैलकुलेट करना है अपने को, और सेकेंड पार्ट रीजनेबल लेट आउट वैल्यू। रीजनेबल लेट आउट वैल्यू क्या है सर, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू
सर रीजनेबल नेट आउट वैल्यू को है ना फाइंड आउट करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर अपने को जो है ना, ये ना एक्चुअली ये एक्चुअल में, और ये एस्टीमेट बेसिस पे, किसके बेसिस पे सर, ये एस्टीमेट बेसिस पे एस्टीमेट लगाया जाता है और देखा जाता है, उसके बाद कंपेयर करके अपने को अमाउंट निकाला जाता है। ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर्टी पड़ा है और वो प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्चुअल में 1,20,000 लेना चाहिए, बट तुम लोग कितना ले रहे हो, तुम लोग सामने वाले से सिर्फ 60,000 ले रहे हो, कितना ले रहे हो तुम लोग, 60,000 ले रहे हो, और बाजू वाले जो पड़ोस है ना उन लोग का प्रॉपर्टी जब रखते हैं ना रेंट पे, तो उन लोग 1,20,000 लेते हो, तो गलत है ना। इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, तुम्हारा पड़ोसी जो है, नेबर्स है, वो नेबर्स 1,20,000 लेते वही वैसे वाला प्रॉपर्टी को, आपके लोकेशन में ही है, और आप अपना प्रॉपर्टी 60,000 में दे रहे, ये तो गलत चीज है ना, क्योंकि ये इनकम है, इनकम होगा तो ही तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स बोलती, रुक तू एक्चुअल लिया, नो प्रॉब्लम, रख तेरे पास, मैं अब मेरा कैलकुलेशन करूंगा और वो प्रॉपर्टी का रीजनेबल लेट आउट वैल्यू निकालूंगा। रीजनेबल मतलब मैं एक एस्टिमेट करूंगा वो प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू तुझे मिलना चाहिए और तूने एक्चुअल में कितना लिया, दोनों में से जो बड़ा रहेगा मैं क्या करूंगा उसको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंडीशन अप्लाई, दोनों में से जो बड़ा रहेगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो उधर लिखना चाहिए, बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस हम लोग आगे जैसा कैलकुलेशन करेगा वैसा देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी अपन क्या कैलकुलेट करते हैं कि एस्टीमेट, एस्टीमेट जो एस्टीमेट कर रहे हैं वो कैसा करेंगे सर, वो तो दिख रहा है, वो एक्चुअल रेंट में जो मिला वो हो गया, राइट है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा बाद में, फिलहाल तुमको समझाने के लिए वैसा लिखा है मैंने, सिर्फ दोनों के ऊपर बात करते हैं। तो रीजनेबल लेट आउट वैल्यू, ठीक है, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू, तो ये रीजनेबल लेट आउट वैल्यू कैसा आता है सर, देखिए मैं सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले फेयर रेंट, क्या बोला मैंने सर, फुल फॉर्म लिखो ना, ठीक है, फेयर रेंट, फेयर रेंट समझो 100 रुपीज़ मान के चलो फिलहाल, फेयर रेंट, फेयर रेंट क्या होता है वो बात करेंगे। सेकंड म्युनिसिपल, सिपल वैल्यू समझो 80 रुपीज, ठीक है, क्या बोला मैंने, फेयर रेंट एंड, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, तो मैंने क्या लिखा, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, ये दोनों जब मिलेगा ना तो विच एवर इज क्या करना है अपने को, विच एवर इज क्या करना है, विच एवर इज क्या करना है, हायर करना है, हायर मतलब जो दोनों में से जो बड़ा होगा वो रेंट लेगा, मैं क्या करूंगा, मैं इनकम टैक्स क्या बोलती है, फेयर रेंट देखो उसका क्या है और म्युनिसिपल वैल्यू देखो उसका क्या है, म्युनिसिपल रेंट जो बोलते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से जो रेंट बनेगा वो देखना, ठीक है, वो बनता है 80, ऐसा समझो मान के चलो। तो विच एवर इज हायर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है सर, बड़ा तो ये दिख रहा है सर, तो ठीक है, तो विच एवर इज हायर में जो आएगा, विच एवर इज हायर, हायर में जो आएगा वो क्या बनेगा, 100, 100, तो ये मेरे लिए क्या बना, रेंट बना फिलहाल अभी के लिए। सर उसके बाद क्या करने का, ये अमाउंट को लेके, सर उसके बाद ये अमाउंट को है ना आगे लेके जाने का, और एक से कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, मुझे और एक बंदे से कंपेयर करना है, ये वन था, ये ए था और ये बी था, ठीक है, और मुझे ए और बी में क्या था, हायर ढूंढना था, तो मैं ढूंढ लिया, वो मेरा सी बना, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, सी और डी, सी और डी, डी कौन सर, स्टैंडर्ड रेंट, क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट मान के चलो, स्टैंडर्ड रेंट 120 है, कितना है सर, स्टैंडर्ड रेंट 120 है, तो इसमें से विच एवर इज क्या करना पड़ेगा तुमको, विच एवर इज क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर, लोअर लोअर, छोटा कौन सा है सर, इसमें से 100 है, तो 100 मेरा क्या बनेगा सर, आर एल वी, क्या बनेगा सर मेरा, आर एल वी का मतलब क्या होता है, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू, क्या बोला मैंने, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू, सिंपल चीज है, पहला क्या बोला, फेयर रेंट, फिर उसके बाद में म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर जो बचा, जो बचा उसमें से हायर किया मैंने, हायर में जो बचा वो रखा सामने, उससे कंपेयर किसको किया मैंने, स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट को जैसा कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर बोला मैंने, लोअर में नील,
मतलब जो छोटा था वो लिख दिया मैंने 100, तो ये मेरा बन गया आर एल वी, ये मेरा क्या बन गया आर एल वी, ये मेरा क्या बन गया रीजनेबल लेट आउट वैल्यू बन गया। अब मेरे को ये बताओ सर, अगर ये कम होता तो, ये 80 होता तो सर, तो विच एवर इज लोअर, लोअर मतलब सर मुझे कितना लेना पड़ता था यहाँ पर 180 लेना पड़ता था, विच एवर इज लोअर, छोटा तो छोटा बड़ा तो बड़ा, क्लियर। बट इधर क्या लिखा है, विच एवर इज लोअर लिखा है, तो तुमको क्या कर लेना पड़ेगा उसको लो। सर जरूरी है क्या स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 0 होगा तो मालूम ही नहीं, तो सर स्टैंडर्ड तो क्या हुआ, फिर चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर स्टैंडर्ड रेंट नील है यहाँ पर, क्या बोला मैंने, अगर स्टैंडर्ड रेंट नील है ऐसे टाइम पे तुम लोग कौन सा लोगे, ऊपर वाला 100 ले लोगे, क्लियर है। अगर स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम लोग जो आया होगा ऊपर विच एवर इज हायर करके वही ले लोगे फिगर, क्लियर है। अगर स्टैंडर्ड रेंट है कुछ, समझो ये 50 है, 150 भी हो सकता है, तो विच एवर इज लोअर। स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर तभी करना जब उसका वैल्यू है, अगर उसका वैल्यू नहीं है तो इग्नोर करना स्टैंडर्ड वैल्यू को और डायरेक्टली जितना आया है वही ले लेना। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है अभी तक? कोई नहीं सर, सिंपल है। अब मेरे को सर एक एक चीज समझाओ ना, क्या क्या बोल रहे थे, फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, ये म्यूनसिपल वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट क्या है सर, ये नया चीज क्या लेके आ रहा हूँ मार्केट में। आप देखो, जब तुम एस्टिमेट करते हो ना, जब तुम एस्टिमेट करते हो कोई चीज को, तो तुम मार्केट कंडीशन के हिसाब से एस्टिमेट करते हो, राइट। तो इन्होंने तीन कंडीशंस रखे हैं सामने, वो क्या है, सबसे पहला फेयर वैल्यू, फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, जब जब तुम लोग कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, जब तुम लोग कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, ऐसे टाइम पे वो प्रॉपर्टी का रेंट जो है ना, वो लोकेशन में आजू बाजू वाला देखने का, उन लोग कितने में दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के हिसाब से मैं करूंगा ना। अगर मेरे को ये एरिया है, समझो ये पूरा एरिया, इधर 10 घर है, 10 घर, 10 के 10 घर रेंट पे, इसने 10,000 चार्ज किया, इसने 10,000 चार्ज किया, इसने 10, 10.5, 11, 10.5, ये फेयर रेंट है, वो रेंज चल रहा है वहां पर 10, कोई 10.5 लेता है, कोई 11,000 ले लेता है, तो ये रेंज चल रहा है ना क्या, तो वो रेंज में तुम्हारा रेंट आ रहा है क्या नहीं, मालूम पड़ा मैंने एक प्रॉपर्टी रखा और मैंने उसको सिर्फ 6,000 चार्ज किया, सेम वही एरिया है प्रॉपर्टी का, वही फ्लैट है, वही सेम सब सेम है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, कम चार्ज कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे वो फेयर रेंट नहीं होता है। फेयर रेंट का मतलब सिंपल है, चार लोगों से पूछ के, जब अब अगर मुझे कोई रेंट पे घर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, चार लोगों के चार एरिया में जाके आऊंगा, सबसे पहले चार लोकेशंस में जाके आऊंगा, चार लोकेशन में जाके रेट्स पूछ के आऊंगा सबके, क्या रेंट है, क्या पर मंथ का रेंट है, तो वो रेट्स के हिसाब से मैं क्या करूंगा, मेरे को समझ में आएगा, हाँ भाई ये लोकेशन में थोड़ा ज्यादा है रेंट, ये लोकेशन में थोड़ा कम रेंट है, ये लोकेशन में और भी कम रेंट है, तो मैं वो लोकेशन के हिसाब से पे करूंगा ना सामने वाले को, राइट है, फेयर रेंट। अगर एक लोकेशन में 6,000 का रेंट का रेंज चल रहा है, वहां पर सामने वाले ने मुझसे 10,000 मांगा, मैं क्या दे क्या जाऊंगा क्या उसको, नहीं दे सकता हूँ ना। तो ऐसे ही फेयर रेंट का मतलब होता है, जो चार आजू बाजू वाले लोग, जो चार अगल बगल के लोग होते, वो कितना चार्ज कर रहे हैं, उस हिसाब से फेयर रेंट का वैल्यू डिसाइड होता है। तो बाकी लोग 100 100 रुपए लेते रहेंगे रेंट, तो इनकम टैक्स बोलता है ठीक है 100 रुपए मान के चलूंगा, तुमको 100 रुपए मिलना चाहिए था ये रेंट के ऊपर, क्लियर है सर। सेकेंड, ये म्यूनसिपल वैल्यू क्या है सर, म्यूनसिपल वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू वो होता है, रजिस्टर्ड होता है ना वैल्यू, जो म्यूनसिपैलिटी के पास क्या होता है, अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरने जाते हो तुम लोग, राइट, साल में एक बार अपने को प्रॉपर्टी टैक्स भी भरने जाता है, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स कोई एक वैल्यू के बेसिस पे लेते हैं, किस पे लेते हैं, एक वैल्यू के बेस पे होता है वो, कोई एक वैल्यू के बेस पे होता है वो, रजिस्टर्ड वैल्यू होता है वो, एरिया वाइज अलग अलग वैल्यू होता है, एक सेम नहीं होता है। तो म्यूनसिपल वैल्यू में क्या चल रहा है रेट, उस हिसाब से टोटल किया जाता है। सर ये पर मंथ का होता है, नहीं, ये हमेशा ईयरली होता है, क्या होता है सर ईयरली, ये भी क्या होता है ईयरली होता है, क्या होता है ईयरली होता है, और ये भी किस में होता है ईयरली होता है, मंथली कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब ईयरली बात करो, साल भर में 100 रुपया फेयर रेंट है, तो म्यूनसिपल में जो है उसका वैल्यू कितना, म्यूनसिपैलिटी के इसमें उसमें 80, जैसा प्रॉपर्टी टैक्स भरने जाते हो कोई परसेंटेज भरते हैं अपन वहां पर, तो वो ईयरली 80 है समझो। तो कंपैरिजन किया मैंने, हाँ फेयर रेंट ज्यादा है तो मैं फेयर रेंट को लूंगा कि तेरा इनकम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोनों में से विच एवर इज क्या करूंगा, मैं हायर करूंगा, विच एवर इज हायर, तो हायर मुझे 100 मिला,
अब क्या करूंगा मैं, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करूंगा। सर ये स्टैंडर्ड रेंट कौन है दूसरा? देखो स्टैंडर्ड रेंट कहीं पर भी इनकम टैक्स में मेंशन नहीं किया गया है, स्टैंडर्ड रेंट कहीं पर भी इनकम टैक्स में मेंशन नहीं किया है। फिर सर क्यों ले रहे हैं इधर? क्योंकि ना कोर्ट कोर्ट जो जजमेंट देती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ना ये एक एक्ट को लिया है इसका बेसिस। एक एक्ट कौन सा है सर? रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या बोला मैंने? रेंट कंट्रोल एक्ट। एक रेंट कंट्रोल एक्ट है जहां पर रेंट के ऊपर कुछ प्रोविजन है कि किसी से चार्ज करने से पहले उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, एक लेवल होता है, मतलब सब में कंट्रोल के लिए एक एक्ट तो बनेगा ना, नहीं तो सब लोग कुछ भी चार्ज करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक रेंट कंट्रोल एक्ट है। वो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है ना, अपने को क्या बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब उसका रेंट जो है उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने इधर अभी बताया था 100 रुपए का था अपना फेयर वैल्यू आ गया था, अब स्टैंडर्ड रेंट 80 है, इसका मतलब क्या? रेंट कंट्रोल एक्ट क्या बोलते हैं? 80 के ऊपर तुम लोग रेंट चार्ज नहीं कर सकते हो। ये इनकम टैक्स नहीं बोलता है, रेंट कंट्रोल बोलता है। इनकम टैक्स क्यों बोल रहा है फिर ये? इनकम टैक्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि कोर्ट, कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या सब कोर्ट होते हैं ना जो जजमेंट देते हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ केसेस देखे ऐसे, और वो केसेस के बेसिस पे उन्होंने बोल दिया है कि तुम जब ये करते हो ना तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, उसका वैल्यू से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एप्लीकेबल नहीं तो फिर ऊपर वाला रखो, बट ये तुम्हारे पास है इसका वैल्यू तो कंपेयर करो, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये 120 हो सकता है सर, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे टाइम पे मेरे को वही विचर इज लोअर, मतलब यही लेके आगे बढ़ना है, बट ये 90 होगा या 80 होगा तो मुझे स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इसके ऊपर मैं जा नहीं सकता। ये तो इनकम टैक्स बोलता है ठीक है, विच ओवर लोअर लेके आगे बढ़ना। जिस दिन स्टैंडर्ड रेंट नील होगा तो मैं उसको इग्नोर करूंगा और मैं सिर्फ कौन सा उठाऊंगा जो ऊपर मुझे विच ओवर इज हायर करके मिला है। तो ऐसा करके जो है ना मुझे क्या मिलता है? रीजनेबल लेट आउट वैल्यू, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू। रीजनेबल लेट आउट वैल्यू कैसा मिला सर? फेयर वैल्यू से मैंने म्यूनसिपल वैल्यू को कंपेयर किया, विच ओवर इज हायर आया उसको रखा सामने, उसके बाद में मैंने स्टैंडर्ड रेंट, उसके बाद में मैंने स्टैंडर्ड रेंट लिया, दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर। इन केस अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो भूल जाओ, अपने को ऊपर जो आया वही आंसर मेरा क्या बन जाएगा? RLV, वही आंसर मेरा क्या बन जाएगा? रीजनेबल लेट आउट वैल्यू। क्लियर है? ये मिल गया सर, बहुत मेहनत करने के बाद ये आंसर मिल गया मुझे फाइनली। ठीक है, तो सर अब क्या अपने को ये तो सिखा दिया आपने? नहीं, वेट 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 वेट, मैंने अभी तक सिखाया नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते एक्चुअल रेंट के बारे में। सर एक्चुअल रेंट क्या है अभी है? एक्चुअल रेंट सर वो रेंट होता है जो एक्चुअली मैं रिसीव करूंगा। क्या बोला मैंने? एक्चुअली जो मैं रिसीव करूंगा, मेरे हाथ में जो पैसा आएगा, मैं किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी देता हूँ तो मुझे लाखे जैसा पैसा देता है वो हर महीने, तो एक्चुअली रिसीव हुआ मेरे को, तो एक्चुअल रिसीव जो होगा सर, ये एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ तो सर फॉर एग्जाम्पल इररिलेवेंट कब है? इररिलेवेंट कब है सर? इरेलीवेंट कब? इरेलीवेंट मतलब ये यूजफुल नहीं अपने लिए। कब यूजफुल नहीं सर? तीन चीजें हो सकती है सर। वो तीन चीजें क्या है सर? क्या हो सकती है वो तीन चीजें? हो सकता है वो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैंने, मेरे पास तीन घर है, तीन प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी में क्या करता हूँ? खुद यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलूंगा। क्लियर है? सेकंड, मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब मैं दो घर यूज कर रहा हूं खुद के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती ओके सर नो प्रॉब्लम, हो सकता है। और ये जो है वैकेंट पड़ा है, वैकेंट का मतलब क्या होता है सर? वो घर को सिर्फ खाली पड़ा है, कोई यूज नहीं कर रहा है, बट ऐसे टाइम पे जो है ना, ऐसे टाइम पे जो है ना ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैं किसी से रेंट लेता रहूंगा क्या? नहीं, वो तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, रेंट कहाँ से आया सर? तो एक्चुअल रेंट उस टाइम पे कुछ काम का नहीं बनता है। सेकेंड SOP, सेकेंड प्रॉपर्टी में वो भी मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोलती है ओके नो प्रॉब्लम, दो प्रॉपर्टी तुम लोग SOP यूज कर सकते हो एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद में क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी जो वैकेंट पड़ा है, तो गवर्नमेंट बोलती है रुको भाई मैं सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो ये लेट आउट है क्या? लेट आउट है क्या ये?
लेट आउट है क्या, क्वेश्चन पूछेगा गवर्नमेंट, तो तुम लोग बोलेगा नहीं वो तो खाली पड़ा है। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये तुम्हारा मान के चलूंगा कि ये लेट आउट है। क्या बोला मैंने, ऐसे टाइम पे मान के चलूंगा ये लेट आउट है, इसको बोलेगी डीम्ड टू बी लेट आउट। क्या बोलेगी इसको, डीम्ड टू बी लेट आउट। क्या बोलेगी इसको, डीम्ड टू बी लेट आउट। क्लियर है, तो ये मान के चलेंगे ये डीम्ड टू बी लेट आउट है। तो ऐसे प्रॉपर्टी भी क्या आता है, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान के चलोगे। और थर्ड कौन है, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अनऑक्यूपाइड मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया उस पर, छोड़ दिया ना रेंट पे ले, ये शायद हाँ ये सेम वही हो सकता है, डीम टू बी लेट ऑफ जैसी बन जाएगा वो, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। हो सकता है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है जो है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बोल रहे रख सकता है, बट इसमें भी मैं नहीं रहता हूँ, रहता ही नहीं मैं, सिर्फ नाम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं पूरा इधर यहीं पर रहता हूँ। और गवर्नमेंट बोलती है ठीक है दो घर एसओपी ले सकते हो तुम लोग। अब एसओपी और एलओपी क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेगा आपको क्लियर हो जाएगा एसओपी और एलओपी में क्या डिफरेंस है। एसओपी मैं खुद के लिए रखता हूँ, एलओपी मैं रेंट पे देता हूँ किसी को। तो ऐसा टाइम पे अनऑक्यूपाइड बना, क्या बना ये, अनऑक्यूपाइड। तो अनऑक्यूपाइड भी क्या होगा सर, इररिलेवेंट होगा। कब सर, जब मैं एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, वहां पे ये कर लेता हूं मैं, तो सर सुनिए, तो फिर ये सब इरेलेवेंट है। तो ये एक्चुअल यूज़ क्या है, जब तुम कोई लेट आउट करते हो, लेट आउट प्रॉपर्टी होगा तो उसका जो रेंट, रेंट मुझे लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब मैंने रेंट पे दिया, अगर उसका रेंट मुझे रिसीव होता है तो ही मैं इसको क्या बोलूँगा, एक्चुअल रेंट के लिए काम आएगा। मुझे रेंट रिसीव होता है तो ही क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल रेंट के लिए काम आएगा। मतलब मैं 10,000 का रेंट है तो 12 मैंने अगर सामने वाले मुझे दिया तो 120 क्या बना मेरे लिए, 1,20,000 इज माई एक्चुअल रेंट। ओके क्लियर है, तो एक्चुअल रेंट। बट सर कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाला पूरा पैसा देता नहीं। क्या बोला मैंने, कभी कभी क्या होता है सामने वाला पैसा पूरा देता नहीं। बहुत लोगों को देखा रहेगा कि उन लोग क्या करते हैं, साल भर से रहते हैं बट साल भर में 3-4 महीने अभी तक रेंट दिया ही नहीं। ऐसा हो सकता है, हो सकता है सर। तो जब भी एक्चुअल रेंट निकालोगे, जब भी एक्चुअल रेंट निकालोगे तो याद रखना, एक तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना किया तुमने, रिसीव्ड कितना किया। ठीक है, वो मतलब रिसीव एक्चुअल रेंट जितना होना चाहिए, जैसा मैंने क्या बोला, 12 मंथ इंटू 10,000। ठीक है, 10,000 तो कितना हुआ सर, 1,20,000। तो ये बना मेरा एक्चुअल, बट माइनस माइनस क्या करूंगा मैं, अनरियलाइज रेंट। क्या बोला मैंने, अनरियलाइज रेंट एंड बैड डेब्ट्स, अनरियलाइज रेंट एंड बैड डेब्ट्स। नाम से पता चलता है सर, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि अनरियलाइज, कि पैसा मिला ही नहीं मुझे, पैसा मिला ही नहीं। वो सामने वाला यूज कर रहा है मेरा प्रॉपर्टी बट पैसा नहीं दिया अभी तक, अनरियलाइज है वो। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डुबा दिया मेरा पैसा उसने, सामने वाले मेरे को पैसा दिया ही नहीं और चला गया। ऐसे टाइम पे हो सकता है ना, बीच में छोड़ के चला गया पैसा बिना दिए, तो ये बैड डेब्ट्स हुआ मेरे लिए। ठीक है, तो समझो मैंने 3 मंथ्स जो है, 3 मंथ्स या 2 मंथ्स मैं पकड़ता हूँ, 2 मंथ्स जो है मैंने पैसा दिया ही नहीं सामने वाले मुझे। तो ऐसा टाइम पे ये 2 मंथ का कितना होता है सर, 20,000, वो माइनस हो जाएगा। और एक्चुअल रेंट कितना बनेगा मेरा, एक्चुअल रेंट कितना बनेगा, 1 लाख बनेगा। कितना बनेगा, एक्चुअल रेंट 1 लाख बनेगा। सिंपल है सर, मैंने क्या बताया, दो चीज बताई। दो चीज क्या बताई सर, मुझे है ना चाहिए मुझे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसा मिलेगा सर, दो चीज से मिलेगा, एक तो रीजनेबल लेट आउट वैल्यू और एक एक्चुअल रेंट। सर रीजनेबल लेट आउट वैल्यू कैसा मिलेगा, एक तो फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू, सॉरी म्यूनसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा उसमें से मैं एक सेलेक्ट करूंगा, और जो बचेगा मेरा इसमें जो भी आएगा तो मैं उसको कंपेयर करूंगा। कंपेयर किससे करूंगा, मैं
कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड रेंट से अगर होगा तो उसमें विचेवर इज लोअर ले लूंगा। लोअर ले लिया तो बन गया मेरा रीजनेबल लेट आउट वैल्यू। अब यहां पर क्या करूंगा, एक्चुअल रेंट कितना होना चाहिए माइनस कुछ बैड डेब्ट्स हुआ, कुछ अनरियलाइज रेंट हुआ अनरियलाइज, तो वो माइनस कर दो तो बचा जो है वो क्या बना मेरा एक्चुअल रेंट बना। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है क्योंकि मेरे को आंसर किसको देना है, जीएवी को देना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को देना है। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल जाता है तो मेरा आगे कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो शीट पढ़ेंगे हम लोग, वो टेबल पढ़ेंगे, राइट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा सर, इन दोनों को कंपेयर करके आएगा। सर क्या बोला मैंने, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा सर, इन दोनों को कंपेयर करके आएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा, इन दोनों को कंपेयर करके आएगा, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आरएलवी है तो जीएवी कैसा मिलेगा, जीएवी कैसा मिलेगा सर, आरएलवी का जो भी अमाउंट रहेगा और एआर मतलब रीजनेबल लेट आउट वैल्यू जो यहां से मिला मुझे और एनुअल रेंट जो यहां से मिला मुझे, जो दोनों में से मैं क्या करूंगा कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा मैं कंपेयर करूंगा। तो ये ए बना मेरा और ये बी बना, ठीक है। अभी इन दोनों का कैलकुलेशन चल रहा है तो इसमें से जो बड़ा है, इसमें से जो ए और बी में से जो हाइयर है, हाइयर हाइयर जो बड़ा रहेगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, इसमें से जो बड़ा है वो बन जाएगा जीएवी, हाइयर ऑफ ए एन बी, ए एन बी में जो बड़ा रहेगा वो जीएवी बन जाएगा। सर इतना ही सिंपल है, पहले बोल देते इतना क्यों लिख रहे हो आप। एक कंडीशन, एक कंडीशन, एक कंडीशन याद रखना, एक कंडीशन है, वो एक कंडीशन क्या है, एक्चुअल रेंट। क्या बोला मैंने, एक्चुअल रेंट, ये रेंट फॉर एग्जाम्पल सुनो, ये मेरा बना 1 लाख रुपए, क्या बोला मैंने 1 लाख रुपए, और ये बना मेरा 1 लाख 20। तो मेरे को बताओ जीएवी क्या रहेगा मेरे लिए, जीएवी क्या रहेगा, जीएवी विचेवर इज हायर मतलब क्या रहेगा, 120, क्या रहेगा 120। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी में विचेवर इज हायर 120 बन गया। अब मेरा क्या है क्वेश्चन, ए आर जो है ना, ए आर, ए आर यहाँ पे क्लियर है 120 ज्यादा है। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ 80 90,000, कितना लिखता हूँ मैं 90,000, कितना लिखा मैंने 90,000 लिखा सिर्फ, ठीक है। ए आर में कितना लिखा 90। अब मेरे को बताओ कौन बना इसमें, विचेवर इज हायर कौन है इस बार, इस बार आर एल बी है, तो आर एल बी बन जाएगा मेरा इस बार जी ए वी, आर एल वी क्या बन जाएगा, जी ए वी बन जाएगा, और अमाउंट कितना आएगा 1 लाख। बट वेट करो, वेट करो, जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा आर एल वी बड़ा है और एक्चुअल रेंट कम है, तो एक्चुअल रेंट से क्वेश्चन पूछना तुम लोग, किससे पूछोगे, ये एक्चुअल रेंट है ना, इससे बोलना अरे भाई तू कम क्यों हुआ, कुछ रीजन था क्या तेरे में कम होने का, तो हो सकता है ना कुछ रीजन होगा उसके पास, राइट। तो एक्चुअल रेंट ने अगर तुमको आंसर दिया हाँ भाई मैं कम हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो है हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट था। क्या बोला मैंने, हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट था, क्या बोला मैंने, हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट था, क्या बोला मैंने, हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट था। हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट, वैकेंट का मतलब सर देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं मैं, ठीक है, यहां पर क्लियरली करता हूं, यहां पर मैं क्लियरली करता हूं सर, आर एल बी आया मेरा 1,20,000, कितना, सॉरी 1 लाख है, ठीक है। और एक्चुअल रेंट जो है ना, एक्चुअल रेंट होना चाहिए था 1,20,000, ठीक है, होना चाहिए था 1,20,000। बट प्रॉब्लम क्या हुआ ना, 3 में ना वैकेंट था, वैकेंट मतलब रेंट वाला छोड़ के चला गया वहां तक पैसे देके, और 3 में ना घर खाली पड़ा था, कोई आया नहीं लेने के, तो ऐसा टाइम पे वैकेंट कितना था, 3 मंथ्स था। अब समझो मैं 1-1 लाख, 10-10,000 का अगर उससे पैसा लेता, अगर वैकेंट नहीं होता हो तो क्या होता सर, तो 3 3 महीने तो घर खाली था ना, तो ऐसा टाइम पे ये कितना हो जाएगा 30,000, ये 30,000 में माइनस करूंगा तो बचता कितना है 90,000। तो ये 90,000 एक्चुअल रेंट बना अभी फिलहाल मेरे लिए। अब ये एक्चुअल रेंट बना तो इधर दिखा रहा हूं मैं डायरेक्टली, तो एआर से पूछने का, भाई एआर तू कम क्यों हुआ, अगर तू कम हुआ है
तो कुछ तो रीजन है तेरे पास। अगर वो रीजन उसने दिया कि 90,000 बिकॉज ऑफ मेरा वैकेंट होने के वजह से हुआ, क्या बोला मैंने, एआर ने बोला कि मैं कम क्यों हुआ, क्योंकि वैकेंसी था, वरना मैं क्या था, ज्यादा ही था। तो ऐसे टाइम पे जीएवी किसको लेना है तुमको, ऐसे टाइम पे जीएवी किसको लेना है, ए जीएवी किसको लेना है, एआर को लेना है, समझा। मैं पॉइंट्स लिखूंगा अच्छा से, तुम समझे कि नहीं, अभी ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या बोला मैंने, जीएवी विच एवर इज हायर, कौन हायर सर, आरएलबी एंड एआर, ठीक है। यहां पर देखो मैं एक बार करता हूं, ठीक है। जीएवी क्या बोलते हैं, जीएवी क्या बोलते हैं, दो हायर, दोनों में से कोई भी एक हायर होना चाहिए, कौन होगा, आरएलबी होगा और एआर होगा, ठीक है। तो जो बड़ा होगा वो क्लियर है, बट एक एक्सेप्शन लिख के रखना हमेशा, एक एक्सेप्शन लिख के रखना। एक्सेप्शन क्या है सर, एआर, एआर मतलब ये अगर कम है, एआर इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी मतलब वैकेंसी के कारण, मतलब घर यूज ही नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं रहने के लिए, 3 महीना खाली पड़ा था, 2 महीना खाली पड़ा था, 6 महीना खाली पड़ा था, तो एआर इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से खाली हुआ, अदरवाइज मैं बढ़ा ही था भाई, ऐसा कुछ होता है रीजन। तो इन सच केस, इन सच केस ट्रीट एआर एज जीएवी, समझा। अदरवाइज बाकी सब केसेस में क्या है, जो बड़ा रहेगा वो डायरेक्टली ले लेगा, अगर एआर बड़ा है तो एआर बड़ा ले लूंगा, आरएलबी बड़ा है तो आरएलबी बड़ा लूंगा, बट आरएलबी जब बड़ा होता है तो एआर से क्वेश्चन पूछ लिया ने, क्या पूछोगे आप कि एआर तो कम क्यों है, तेरे में कुछ रीजन है, दूसरा कोई रीजन है, वैकेंसी का रीजन है, अगर तेरे पास वैकेंसी का रीजन है तो तू जीएवी बनेगा, अगर तेरे पास वैकेंसी का रीजन नहीं है तो आरएलबी बनेगा, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, ये आगे बढ़ेंगे, अपन टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।